हम लोग भक्ति के विषय में पाठ सुन रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करणी अपार, जाने सो जही बनी आई। भक्ति जो करते हैं उसमें कठिनाइयाँ भी है। दूसरे पद में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। एक ही व्यक्ति हैं, बातें दो तरह की हो रही हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि जब प्रथम अवस्था में कोई भी कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन कार्य करते करते जब अभ्यस्त हो जाते हैं उसमें सरलता सुगमता हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो कठिन है, दिक्कत लगता है। जैसे माई लोग जब भोजन बनाने जाती है प्रथम बार तो रोटी बनाती है तो मोटी भी हो जाती है, टेढ़ी भी हो जाती है, कच्ची भी रह जाती है। बनाते बनाते जब अभ्यस्त हो जाती हैं तो मोटी से पतली बनाती हैं, पतली से हल्का बनाती हैं, हल्का से फलका बना लेती। यह अभ्यास की बात है। उसी तरह से जब भक्ति में अभ्यास करते हैं तब सुगम होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। सफरी छोटी मछली होती है, उसमें तैरने की कला होती है, वह भाटे से सिड़े की ओर चली जाती है, धाराओं के विपरीत चली जाती है। वहीं पर मोटा तगड़ा हाथी होता है, उसी जलधारा में बह जाता है। क्यों? इसलिए कि उसमें तैरने की कला नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मछली की तरह जब तैरने की कला हो जाएगी तब भवसागर से पार हो जाएंगे। तो परमाराध्य ने कहा है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से। सुखमन कहते हैं सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को, दसवां द्वार को। वहाँ जो झीना नाल है, झीना मन महीन, नाल मन छेद, जो महीन छेद है, कहते हैं वहाँ अमृत की धारा बह रही है। क्या वो धारा जल रूप में है, तरल रूप में है, किस रूप में है? वो चेतन रूप में है, वही अमृत की धारा है। कहते हैं उस महीन रास्ते में इस मन को प्रवेश कराना है। कितना महीन है इस विषय में उपनिषद में लिखा हुआ है, बाला ग्रसत सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः, तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयेतु निरंजनम्। बाल के नोक को 100,000 भाग करने पर जो आधा भाग होगा वैसा महीन रास्ता है, और जो घुसेगा वह कितना मोटा है? कहते हैं, मनोमत गजेंद्रस्य विश्योद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। वह जो मन है महीन नाल में प्रवेश जिसको कराएंगे, कहते वो हाथी के समान मोटा है। ये मोटा कैसे हो गया? तो मोटा इसलिए हो गया है, जैसे किसी व्यक्ति को हलवाई की दुकान में 6 महीना तक खाने के लिए छोड़ दीजिए तो कोठी जैसा हो जाएगा खा के। क्यों? रसगुल्ला सब खाएगा तो मोटा तो होवे करेगा। उसी तरह से यह मन विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में विचरण करता है, अस्वतंत्र रूप से खाता है। क्या आहार है? कहते रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 फ्रूट्स हैं,
पांच फल है, पांच आहार है, पौष्टिक आहार है मन का, इसी से मोटा हो जाता है। रूप भी एक नहीं है, बहुत सारे रूप हैं। रूप जगत ही है, एक रूप है, जिसको आँख से देखते हैं सब रूप ही रूप है। रस बहुत सारा रस है। इन पंच विषयों को ग्रहण करके यह मन मोटा हो गया है। पतला कैसे करेंगे? कोई भी मोटा आदमी होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर कहता है आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ट्रेडमिल पर दौड़ना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और आहार शुद्ध सात्विक लेना पड़ेगा, अल्पाहार। यदि मन को पतला कैसे करेंगे? कहता मन जिस आहार को लेता है उसी आहार में पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो कौन सा आहार देंगे? कुछ तो खिलाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान, प्यारे कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से। दो पथ, दो आहार बतलाते हैं गुरु महाराज। इस मन को गुरु मंत्र और गुरु का जो रूप है, ये दो अवलंब प्रारंभ में दीजिए। आहार कितना कम हो गया, दुनिया का जितना रूप है सब छूट गया, एक गुरु रूप में मन आ गया तो सब आहार छूट गया, तो मोटापा कम होगा ना। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि एक मंत्र का जप करना, ये दो अवलंब दे करके प्रारंभ करिए, और धीरे धीरे और अवलंब बताएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।